स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे, अगर YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बार बार। और आज की जो बात है कि जो FBS ब्रोकर है, ठीक है, इंडिया में क्या रियल में बंद होने वाला है, तो यही बात यहाँ पे करेंगे। मैं आपके सामने लाइव चैटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इनको लिखूँगा भाई, हेलो सर, FBS ब्रोकर इंडिया, ये मैंने यहाँ पे सर्विस बंद कर रहा है। ओके, आपके सामने है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का जो फंड है, अमाउंट है, वो FBS ब्रोकर में लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी है आपके सामने, भी जो भी रिप्लाई आएगा आपके सामने आएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए कि क्या लाइव ये लोग रिप्ले करते हैं। और तो यहाँ पे भी वो लिख रहे हैं, तो वेट करिए। यहाँ पे इन्होंने दिया है, हमको आपको ये बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अब हमने आपको अलविदा कहना होगा। और आखिरी कुछ दिनों में हमने इंडिया में पेमेंट मेथड सर्विस की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना किया है। क्या एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, तो वेट एंड वॉच। एक मिनट दोस्तों, ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो इन्होंने कुछ मेथड के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आई थी होगी, और अलविदा कहना होगा। आखिरी कुछ दिनों में हमने इंडिया में पेमेंट मेथड सर्विस की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना किया है। क्या परेशान के बावजूद हम अपने क्लाइंट को अच्छे लेवल की सर्विस देने में सफल रहे? यदि कारण, यहाँ पे लिखा है, कारण है कि हमने आपके देश में सर्विस को सस्पेंड करने जैसा कठोर निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं कि हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वेब और मोबाइल FBS एरिया, यानी कि ट्रेडर पड़े प्लेटफॉर्म कॉपी ट्रेडिंग ऐप, जल्दी ही काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दिया है कि भाई 13 जून से आप अपने अकाउंट से डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ नव ट्रेड ओपन नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखे कि आप किसी भी उपलब्ध पेमेंट मेथड के जरिए अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। और यानी कि मेरा कहना ये है कि FBS ब्रोकर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो फंड है, आप पूरा कैपिटल विड्रॉल कर लीजिए, और जो ट्रेडिंग है वो कल क्लोज करके पूरा मैन्युअली है, वो आप यहाँ पे विड्रॉल करिए 13 जून से पहले पहले, ठीक है। और 13 जून से जो अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, डिपॉजिट मेथड बंद हो जाएंगे, आप ओनली विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे उपलब्ध पेमेंट मेथड के जरिए अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। अपना जो भी फंड है, यानी कि USDT, TRC20, यानी कि कोई अदर करेंसी पेयर में, या फिर अगर आपने INR में डिपॉजिट किया था, INR में भी आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। या एक और दिया है कि हमारी प्राथमिकता है कि हाइस्ट क्वालिटी एंड रिलेबिलिटी और सर्विस प्रदान करना, और हम समझ सकते हैं कि हमारे क्लाइंट को होने वाली है, ठीक है। परेशानियों को भी, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कृपया इस पर सपोर्ट करें, मेल करें कंपनी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ये करूँगा, भाई बंद क्यों कर रहे हो, ठीक है, आप बंद क्यों कर रहे हो, इंडिया से बड़ा नेटवर्क फॉरेक्स का है, ठीक है। ये मैंने लिखा है अभी, और मैंने ये लिखा, भाई बंद क्यों कर रहे हो, इंडिया से आपका बड़ा नेटवर्क फॉरेक्स का आपको मिला है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं निर्णय को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया है, और अन्यथा निर्णय है। और यदि आपको कोई परेशानी है, तो आप पूछ सकते हो। और
आप इसको मेल कर सकते हो। इनका मेल है support@fps.com। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपने यहाँ से अगर आप आपका डिपॉजिट मेथोड आपने किया है, ट्रेडिंग किया है, तो आप आपका कैपिटल विड्रॉल कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ अगर आपने एक्सनेस ब्रोकर में अकाउंट बनाना है तो बना सकते हैं, सबसे बेस्ट ब्रोकर अभी हाल में चल रहा है इंडिया में। और अगर आप ऑक्टापेक्स में बनाने चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, रेफर लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।